हमारा अचार बनकर तैयार है। ये सभी ऑर्डर के अचार हैं, और ये है ऑनियन का अचार, सॉरी ऑनियन नहीं, गार्लिक का है ये अचार। ये अचार नहीं है, ये चटनी है। ये ऑर्डर पे बनाई हूँ मैं, जितने भी जो भी कस्टमाइज ऑर्डर है वो बनाती हूँ मैं। और मेरा स्पेशल एक अचार होता है जो मेरा इंग्रेडिएंट्स है। इंग्रेडिएंट्स तो सभी मेरा ही है, लेकिन कुछ है कस्टमाइज अचार, जैसे ये कस्टमाइज अचार है, और बाकी ये सब मेरा प्रोडक्ट है। और ये 250 ग्राम की बॉटली है, ये 250 ग्राम की है, और ये 1 kg का है, ये 1 kg है, 1 kg एंड हाफ kg। इतने सारे रेडी है जाने के लिए अभी। मेरे कस्टमर का नाम है यहाँ पर, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है। अभी मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिखा सकती अपना, क्योंकि जब कोई इंडिविजुअल हाँ, तो मैं इतना दिखा सकती हूँ आपको कि ये मेरा अचार है, ये बन करके तैयार है, और बहुत ही चटपटा है, हेल्दी है, और हाइजीनिक है, प्योर है। घर में अपने हाथों से मैं बनाती हूँ, इसमें कोई देखिए मसाला भी मैं खुद तैयार करती हूँ, ऑयल भी प्योर है, जो मैं खाती हूँ घर के लिए वही मैं ऑयल यूज करती हूँ। ये मिक्स्ड है, ये सिंगल इंग्रेडिएंट्स अचार है, ये स्पेशल है, और ये भी मिक्स्ड है। ये 1/2 kg है, ये 1 kg है, ये भी 1 kg है, ये 250 ग्राम 250 ग्राम 250 ग्राम, और ये अलग 250 ग्राम गार्लिक का है। तो ये हमारा अचार है जो अभी कस्टमर के लिए प्रिपेयर्ड है, तैयार है जाने के लिए। आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत ही टेस्टी हेल्दी है। जब भी आप खाना में कुछ जान चाहेंगे, स्वाद चाहेंगे, तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा ये मेरा अचार खा लें। आप लोग मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले से तैयार नहीं रखती, ऑर्डर पे ही तैयार रखती हूँ। जैसे आप ऑर्डर देंगे, 10 से 15 दिन में ये अचार तैयार हो जाएगा। बहुत ही चटपटा है, और भी अभी 10-15 अचार जाने के लिए बनने के लिए रखा हुआ है। वो बन जाने के बाद, वो ऑर्डर जब रेडी होगा, वो भी मैं दिखाऊंगी। तो कैसा लग रहा है ये मेरा जार अचारों का, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को चखना है, टेस्ट करना है, तो मैं आप लोगों को सैंपल भी देती, लेकिन काश आप मेरे पास में होते तो मैं आपको ज़रूर सैंपल देती। बट कोई बात नहीं, आप अभी अपने नज़रों से ज़रूर बताएँ कि ये देखने में कैसा लग रहा है, क्या ये स्वादिष्ट हो सकता है, क्या ये चटपटा हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, प्लीज आप देखते रहिए मेरा व्लॉग।